हेलो गाइस, जय श्री राम। तो स्वागत है आपका फिर से माय न्यू व्लॉग वीडियो एंड गुड मॉर्निंग सारनों। आज सुबह व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ एंड काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं आ रहा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं सबसे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी है यार काफ़ी दिनों से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुखार थी, तबीयत ख़राब थी एंड आज भी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है, बट काफ़ी दिन हो गए यूट्यूब पर मतलब वीडियो अपलोड किए हुए, तो मैंने सोचा बनाना पड़ेगा, तो आज मतलब वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ एंड फाइनल हमारे रूम पे बैठा हूँ, अकेला बैठा हूँ, कोई है नहीं यहाँ पे। राकेश कॉलेज चला गया एंड वो अपने गांव में है, ठीक है। एंड सोच रहा हूँ मैं भी आज यहाँ से लीव कर रहा हूँ, ये रूम मैं भी छोड़ने वाला हूँ ये रूम, क्योंकि फाइनल लास्ट गुड बाय बोल देंगे इस रूम को आज। फिर मैं तैयार होके जस्ट आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद एंड नाउ आज मुझे जस्ट अभी कॉल आया था प्रभु का कि हम मिलते हैं, तो ठीक है मैं आज उसके तोलिया सर, उसका गांव है तो मैं तोलिया सर जा रहा हूँ, तोलिया सर में देखता हूँ राइट पे तोलिया सर निकलूँगा मैं एंड देन उसके बाद फिर वापस रूम पे आऊँगा, रूम पे सारा कुछ समेट के साथ में भी ले जाना है, यहाँ पे रख दूँगा जितना चलेगा वो लेके जाऊँगा एंड फाइनल आज गाँव जा रहे हैं यार, यहाँ से बंद करके सारा कुछ मतलब रूम पे रूम को। तो गाइस नहा धो के तैयार हो चुका हूँ एंड फाइनल अभी मैं निकल रहा हूँ, थोड़ा कॉलेज में देख रहा हूँ कॉलेज में संजय ने बुलाया है, उसने कहा है कि हम दोनों साथ में चलते हैं, तो उसको लेके जाना है, तो मैं पहले कॉलेज जाऊँगा एंड जस्ट अभी रूम से निकलूँगा एंड फाइनल लास्ट रूम को गुड बाय बोलते हैं एंड निकलते हैं, नहीं वापस तो आएंगे बट फिलहाल तो यहाँ से फर्स्ट टाइम वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो निकल रहे हैं एंड से लास्ट बार रूम दिखा देता हूँ, देखो कैसा रूम है एंड फिर चलते हैं, फिर पहले मैं कॉलेज जाऊँगा एंड देन उसके बाद वहाँ पर जाना है मेरे को। ये देखो गाइस, ये हमारा सेट गोप्रो माइक एलिमेंट एंड मेरी बैग पड़ी है यहाँ पे सारा कुछ। कौन आ रहा है? भाई हमारा भाई विकी आ चुका है एंड विकी लास्ट रूम को गुड बाय बोलते हैं, बाय बाय, मिस यू। और ये देखो लास्ट में पड़ा कैसे है, ये पेंटे पड़ी है, वो पड़ा, ये पड़ा सामान नहीं अभी तो है ना, हम पहले तोड़िया से जाएंगे, पहले कॉलेज चलते हैं, थोड़ा सा कॉलेज जाएंगे एंड फिर है ना सारा सेटअप हो गया, काम करते हैं थोड़ा सा एंड फिर हम दोनों तोड़िया से जाएंगे। एक और है उसको पूछना, वो बोल रहा है मैं भी जाऊंगा, तो चलो उसको भी लेके चलते हैं साथ में एंड अभी निकलते हैं, बाय। तो गाइस पहले चलते हैं कॉलेज एंड देन उसके बाद जाएंगे कहाँ पे, तोड़िया सर है भैरू जी के, नहीं नहीं भैरू जी के जाएंगे दर्शन करके आएंगे, बट फिलहाल हम भी हमें ना बाइक आवाज़ कैसे कर रही हो, तेल वो चेन में कोई दिक्कत है क्या, पता नहीं चेन सूख गया होगा यार, बाइक सर्विस पे भी आ रखी है यार, हाँ बाइक है ना सर्विस भी मांग रखी है एंड अभी यार वो करेंगे सब कुछ करेंगे वापस आके इसके पास में सर्विस करवानी है मेरे को, ठीक है पहले कॉलेज गो। ये देखो भाई हमारी कॉलेज, संजय को बोलो बाहर आ जा, संजय ना ये बाइक संजय की तो खड़ी है ना, उसने बोला कि मेरे को जाना है, चलो गाइस पहले उसको उठाते हैं फिर आपको रास्ते में मिलते हैं हम थोड़ी देर में। ये क्या, ये साइकिल तेरी है? नहीं ये ना वो लेडीज की है, ये ठीक है भाई, नहीं मतलब नहीं। ये भाई देखो इसने हमने जोंगा स्टार्ट कर ली संजय और ओम प्रकाश, पहले हम दोनों कॉलेज से निकल रहे हैं, थोड़ा सा जाना है पहले क्लास, समझ लो ठीक है भाई, गिरा मत देना तू, आराम से चला, हाँ छपरियों जैसे मत क्या करो, अरे अरे ऐसे मत करो यार भाई, यार इनका है ना मतलब वो क्या कि फर्स्ट टाइम वीडियो कर रहे हैं ना, ये देखो इसको है ना मजा आ रहा है मतलब करने में भी बोलने में भी, मतलब अच्छी बात है, उसके अंदर भी सैड दे भाई,
नहीं पास में क्यों ले रहे हैं यार, ये शोरूम भी दो दिनों से बंद है क्योंकि मेरे को सर्विस करवानी थी एंड पता नहीं क्या है इनके, दो दिनों से बंद पड़ा है, ना कोई सर्विस कर रहा है ना कोई और कर रहा है। गाड़ी आ रही है यार, चढ़ा दो ऊपर। चलो गाइस चलते हैं अभी तोड़िया सर एंड देन उसके बाद आपको तोड़िया से मिलेंगे थोड़ी देर बाद में। तू मेरे पास फर्स्ट टाइम है ना आज वीडियो में, तू तो आज विक्की भाई फर्स्ट टाइम नहीं, पास में तो बहुत रहता है बट इसको है ना वो फोबिया है, वीडियो से इसको फोबिया है, इसको डर लगता है बहुत ज़्यादा। हाँ डर लगता है भाई इसको, ऐसी बात नहीं है। क्या नहीं है नहीं नहीं वीडियो शूट भी करता हूँ मैं बट है ना नहीं ऐसा नहीं है, तुम कहीं पे ठोक मत देना यार, मेरे को तो डर लगता है यार। एक वो राम न्यास था वो चले जाने के बाद ये आ गया। हाँ इसने आके हटा दी भीड़ को। हाँ सुनाओ क्या बोल रहे हो यार। वो काम पे रह गए भाई, मैं रोक लेता हूँ यार, वो पीछे रह गए बहुत ज़्यादा, मैंने बाइक को बहुत तेज़ किया ना तो इसकी वजह से। उनके पास ऐसी बाइक है, वो काम पे दिख रही है क्या देखो वो बाइक नहीं भाई जोंगा है, जोंगा यार काम पे है भाई, धीरे बहुत चल रहे वो, वैसे तो बहुत तेज चलते हैं यार भाई। आ रहे हैं इतना स्लो चल रहे हैं भाई, वो इतना स्लो चल रहे हैं बात। उनको ये पता नहीं है कि इतनी तेज में चल रहे हो तो आवाज़ नहीं आएगी भाई क्या बना रहे हो। हाँ उनको ये नहीं पता कि इतनी अगर तेज चल रहे हो फोन से बना रहे हैं तो आवाज़ नहीं आएगी। भाई देखते रोक के देखना पड़ेगा, ये देख थोड़ा चला भाई पीछे टायर में कोई दिक्कत है क्या? टायर में दिक्कत है? टायर में दिक्कत नहीं है भाई, टायर में दिक्कत है। ये है ना चेन ये देखो ये काफ़ी ज़्यादा लूज है। नहीं टायर नहीं घूमेगा, चल गया निकाल। नहीं ये चेन बोल रहा भाई, चेन बोल रहा है, हम चलते हैं। वो आगे चलेंगे क्या, रुक गए क्या बाबा? तो गाइस तौलिया सर आ चुके हैं, तौलिया सर भाई, तौलिया सर में मतलब ज़्यादा किसका है, भैरव जी का मंदिर है ना, मंदिर है। हाँ ये देखो तौलिया सर, पर बुक का उसने बोला कि दुकान है उसकी यहीं पे, ठीक है वो दुकान पे होगा शायद, मिलेगा दुकान पे। हम उससे मिलने आए हैं एंड सरप्राइज करने आए हैं भाई, उसको सरप्राइज करने आए हैं। इसके पीछे पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, अपने ये क्या करते हैं पुलिस? अरे मेरे को तो अंदर जाना भाई, अभी हम जा रहे हैं उस बैंक वाली गली की तरफ, मेला लगने वाला है। मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ भाई, यहाँ से अंदर करके सीधा मैं मंदिर की तरफ निकाल लेता हूँ। नहीं नहीं ऐसे नहीं तोड़ सकता भाई, मैं बाइक को ऐसे नहीं तोड़ सकता भाई, बाइक को ऐसे नहीं गवा सकता मैं, बाइक को ऐसे नहीं तोड़ सकता भाई, ऐसे नहीं तोड़ सकता भाई बाइक को, मुझे आराम से निकालना होगा इसको, क्योंकि इसके ऊपर ऊपर नहीं चला सकता भाई, मेरे को यहाँ से लेना पड़ेगा भाई। ये ऑफ रोडिंग सिस्टम कर दिया यार इन लोगों ने, तो मेरे को मंदिर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे प्रभु की दुकान थी यार, काम पे थे पता नहीं, ये मंदिर है हरिजी का मंदिर है। बाइक को लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, बाइक को यहाँ पे लगा देते ना, बाइक को यहाँ पे लगा देते। मिलने आए थे इससे एंड ये मंदिर में शुरुआत कर दी, इसने बोला मंदिर चलते हैं, मंदिर दिखाता हूँ आपको, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे शायद।
ये देखो मंदिर, इनकी कम्युनिटी बननी रखी है। प्रभु कुछ बोल दो। कुछ हमारे भक्तों के बारे में बोल दो कुछ। क्या जय बाबा की, जय बाबा की। ये प्रभु चला गया अंदर। किसका? मेरा। ये जो कभी है ना नहाके नहीं आते कॉलेज, एंड आज देखो मेरे से क्या हाथ जड़े खड़े है। नहीं मैं भी खड़ा रहता हूँ, हाथ जोड़े मैं भी खड़ा रहता हूँ भाई। हम चारों साथ में खड़े हैं ना यहाँ पे, इसलिए आए मेरे बाबा की चढ़ाओ। क्यों चढ़ा तो ही चढ़ा दे विक्की और हम दोनों इस मंदिर में। अच्छा मंदिर है, विक्की और हम यहाँ पे लगा रहे हैं परिक्रमा लगा रहे हैं। हम बोल रहे हैं हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, मेरे बाबा कर देना, हमारी मनोकामना पूर्ण कर देना। अभी हम निकल रहे हैं, अभी हम बाहर जा रहे हैं यार, ठीक है। उसके बाद दर्शन कर लिए, दर्शन तो करने तो कर लिए भाई। प्रभु आज क्या तूने मुंह ऐसे क्यों कर रखा है? रात की नींद आ गई भाई। प्रभु हमें दूसरे मंदिर लेके आ गए। कौन किसका मंदिर है ये? यहाँ पे पांच भगवान के मंदिर है। पांच शनिदेव महाराज का है, एक तुम्हारे विश्वनाथ जी का है। अच्छा यहाँ पे भी है? हाँ, विश्वनाथ जी का मंदिर है। यहाँ पे गजानन जी का है भाई, पांच सात मंदिर है लेके आ गया। एंड देखो आज हमें कह रहा है कि आज आपको है ना भक्ति मार्ग दिखा रहा हूँ। ये देखो किसकी हो आप? बहुत है ये ओके सिस्टम है, ये इसके धूप है ना, धूप बहुत ज्यादा है। ये शनि जी का है ना? अच्छा शनि महाराज को ये। अच्छा ऐसे प्रभु ये दुबला पतला कैसे हो गया तू है भाई? हमेशा शरीर को स्ट्रांग और ऐसे ही एनर्जी फुल रखना चाहिए भाई शरीर को। भाई तू ऐसे कैसे रहा? तू ऐसे इस बोल्ट पे चढ़ सकता है क्या ऊपर? मैं चढ़ सकता हूँ भाई। तेरी तेरी तो बात ही अलग है भाई। ये देखो ये गजानन जी महाराज का मंदिर है। ये देखो, चलो इस मंदिर को दिखाओ। ये अंदर से है क्या? खुला है भाई। ये देखो यहाँ पे आज सुबह हवन किया था, वो हम बोलते हैं ना वो क्या हवन किया इसने, क्योंकि कल गणेश चतुर्थी का वो जो है ना विसर्जन किया था हमने, मंदिर पूरा सजाया हुआ था भाई। इसने बोला कि आप ना यहाँ पे आओ, मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर, सब कुछ दिखाता हूँ अपने गांव में। तो ये देखो ये हमने मंदिर से डेकोरेशन किया है इसने, ये डेकोरेशन किया है इसने। सारा जो मंदिर है वो सजाया गया था गणेश चतुर्थी के साथ ही, यहाँ पे प्रोग्राम चला था। और कल है जो है हमारे इस गांव के साइड एक जोड़ है, उसके अंदर उस मूर्ति को विसर्जन कर दिया। और ये मंदिर का व्यू है, देखो ये मंदिर है, ये मंदिर गणेश जी का मंदिर है। देखो तेरे गांव में कितने मंदिर है? और डेली सुबह और शाम यहाँ पे दो दो घंटे कीर्तन होते हैं डेली। दो घंटे करता कौन? तू करता है? हाँ मैं बिल्कुल करता हूँ। ये देखो भाई ये मैं तिलक तो निकाल दे थोड़ा सा, ये मेरे को बोल रहा तिलक तो निकाल दे थोड़ा। अरे भाई हिंदू है, हिंदू तो तिलक निकालना चाहिए, डेली निकालना चाहिए तिलक, निकालना चाहिए जैसे नाम तिलक निकालो। अरे तुम्हें तो शर्म आती है, वो क्या है ना शहर वाली हो गया, हम गांव वाले हैं, हमें शर्म नहीं आती तिलक से। ज्यादा लंबा नहीं कर दिया? नहीं नहीं ठीक है क्या? अच्छा ये देखो ये आ गया, इसको निकाल देना, ये निकाल लेगा आपने। इसके बाद इधर आओ, इसके बाद सबसे अच्छी चीज बता दो क्या यहाँ पे, हम जितने भी कबूतर हैं पक्षी है जैसे चिड़िया कबूतर जो भी है, अगर कोई भी बीमार हो जाता है कहीं पे भी खराब हालत में मिलता है तो यहाँ पे उसका जो है इलाज होता है सब। इनका मतलब इनको रखते हो अंदर? रखते हो? हाँ इसके अंदर रखते हैं, और सारा मतलब ट्रीटमेंट है वो इसके अंदर ही होता है। अब वहाँ पे जो सामने जगह दिखाई दे रही है ना, कौन सा वो उस साइड, हाँ। वहाँ पे एक बड़ा पक्षियों के लिए बनाएंगे हम भाई, बहुत सेवा कर रहा है भाई। और ये है सरस्वती माता का और गायत्री माता का मंदिर, हमारी विद्या की देवता और स्वर की देवता, हाँ। इस साइड से देखो शिव जी की शिवलिंग बोलते हैं, उसी प्रकार से ये बनाया गया है, इसके अंदर पानी रखा हुआ है। ये देखो यार बहुत शिवलिंग की शिवलिंग हो गई और पानी की टंकी की पटंकी हो गई। यहाँ पे कोई भी जैसे कि भगत लोग आते हैं यहाँ पे जल अर्पण करते हैं, और वहाँ पे वो वाटर कूलर लगा हुआ है, वो वहाँ पे वो जो पानी पी रहे हैं, ठीक है। अब सबसे अच्छी चीज मैं बताने जा रहा था ना पक्षियों के लिए, कौन सी वो है ये वो क्या है, मेरी जुकाम की वजह से थोड़ी। अच्छा इसका गला खराब हो रखा है, डोंट माइंड यू, डोंट माइंड है।
ये चिड़ियों के लिए सबसे पहले हमने हम दो पांच सात लोग यहाँ पे अलग अलग बन रखे हैं। ये देखो कितना काफी घर बना रखे हैं कबूतरों के। गांव के पांच सात लोग यहाँ पे बैठे थे और कीर्तन करते करते ख्याल आया कि पक्षियों के लिए कुछ बनना चाहिए। तो चिड़ियों के लिए सबसे पहले तो हमने, मैं आगे बताऊंगा, वो एक घोंसले टाइप का होता है, वो लगाते थे पेड़ पौधों के सारे। पर हमने सोचा था कि इनके लिए कुछ पक्का मकान वगैरह, जैसे हमारा मकान होता है ना, उसी तरह इसका मकान होना चाहिए। तो हमने बैठे बैठे ये देखो इसी प्रकार से जो है अपने मन से ही डिजाइन करके ये कारीगर को बताया कि इस प्रकार से ऐसा बनाओ। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है। सोच इनकी थी, अच्छा माइंड आपका भाई, इसने सोचा, इसने बताना पड़ता है ना ऐसा ऐसा। तो गाइस ये अभी बता रहे हैं, बहुत अच्छा बनाया भाई कसम से, आपको पता होगा कि ये देखो इस एक टावर में कुल मिला के कम से कम 1100 से 1500 चिड़िया अपने बच्चों के साथ, मतलब कपल के साथ रह सकती है। ओ भाई काफी ज्यादा क्वांटिटी में। हां भाई ऐसा, ये सिर्फ चिड़ियों के लिए है, अब कबूतरों के लिए बता रहा हूँ, वो देखो आप भाई, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। ये देखो कबूतर रह भी रहे, वो देखो अरे दिख भी रहे, ये जितने भी है सारे में कबूतर अच्छी तरह से रह रहे हैं साथ विद कपल के साथ। विद और फैमिली है ना, विद हिज फैमिली। अब ये है सबसे बड़ा टावर जो कि एक बीकानेर में बना हुआ था। ये देखो कबूतर है ना निकल रहे वहाँ, इधर से भी आवाज आएगा। हम बीकानेर घूमने के लिए गए थे तो हमने सबसे पहले इसी प्रकार से वहाँ पे एक टावर देखा था, तो हमारे दिमाग में ये आया कि हमारे वहीं पे होना चाहिए गांव में, तो इस प्रकार से हमने ये टावर बनाया। देखो सारों में कबूतर रहती है। हाँ वो देखो आप भी रहे, दिख भी रहे। इसमें भी कम से कम 1100 से लेकर 1700 कबूतर तक विद कपल के साथ। बताया था ना आपका जसना जी का मंदिर, वो वहाँ पे ऊंचा दिखाई दे रहा है ना वहाँ पे। चलो चलो उनको ये गांव का जो बोलते हैं ना सबसे ऊंचा धोरा, हम मतलब राजस्थान के अंदर बोलते हैं मारवाड़ी में, ये सबसे ऊंचा धोरा होता है ना, वो गांव का सबसे ऊंचा धोरा ये है वो यहाँ पे भाई। और यहाँ पे इतने मंदिर है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते, कम से कम 7 से 8 मंदिर बड़े बड़े हैं। ये दिल्ली इनके अंदर यहाँ पे करता रहे, यहाँ पे एक बार आप इन सभी जो है दिखाओ, देखो ये है ना गांव के, हम यहाँ पे खड़े हैं एकदम ऊंचाई पे खड़े हैं, पूरा गांव ये टावर देखो, टावर देखो जहाँ कबूतर रह रहे हैं ना, ये देखो ऐसा है सब। और अभी एक बात और बताने जा रहा हूँ कि ये जो टावर दिखाई दे रहे हैं ये अभी कम से कम 15 टावर और बनेंगे। ये जो जमीन दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये सारे ही इस पक्षियों के लिए जमीन टावर के लिए ही। और यहाँ पे देखो नीचे चूगा पानी पक्षियों के खाने पीने के लिए जो है वो यहाँ पे बनाया गया है भाई। ये बहुत भक्ति करता है, बहुत काम करता भाई। मैं मेरे जीवन में कम एक दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे यहाँ पे जो है व्यतीत करता हूँ। 3 से 4 घंटे काम करता है, मतलब गायों के लिए ये करता है। देखो वो क्या बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या है कि लोग जो आपका वीडियो देखेंगे उनका क्या है मनोबल बढ़ेगा, हमें भी सेवा करनी चाहिए ऐसा ऐसा। यहाँ पे ये जो कांटे वाले की करें, ये बड़े बड़े मतलब हो गए थे, ये देखो जो है इनको जेसीबी से गिरवा दिया नीचे। ये हमारे जसना जी का मंदिर है ना, अभी इसको और थोड़ा रिपेयर कराएंगे। अच्छा ये देखो, अच्छा पहले इस मंदिर को बने हुए कम से कम 50 से, मुझे पूरा पता नहीं है लेकिन अनुमान से 50 से 70 साल आराम से हो गए हैं। और कितना मतलब अच्छा मंदिर बनाया हुआ है, क्यों पहले शुरू का शुरू था टाइम पर। तो देखो कितनी अच्छी से कारीगरी से बनाया गया, ये देखो पहले से ऊंचा है, ऊंचे के बाद हम जिसके अंदर मतलब बढ़ेंगे तो ये देखो ये भाई अंदर से मंदिर है। और आपके जसना जी के क्या 36 नियम होते हैं क्या? यस ब्रदर, ये 36 नियम के सारे देखो एक बार जूम करके बता दो कोई नियम। ये रहा ये देखो जसना जी के सारे 36 के 36 नियम है, ये देखो मेरे को तो याद भी है थोड़े बहुत। हाँ तो ये सारे लिखे हुए हैं 36 के 36 नियम। मैं अच्छा है ना, पहले सर्दियों में मैं यहाँ पे आके सेवा करता था लेकिन अभी थोड़ा टाइम नहीं मिलता है मेरे को, इसलिए मैं यहाँ पे कम आता हूँ। कम आ पाता है मंदिर जसना जी का यार, ग्राउंड है वो, ग्राउंड है ना प्रभु खेलने के लिए। वो जब हम गांव के बच्चे सारे शाम का समय होता है तो वहाँ पे उस जो ग्राउंड दिखा दे रहा है ना वहाँ पे खेलते हैं क्रिकेट वगैरह।